फेट द विंग सागा सीजन 2 के स्टार्टिंग में हम जंगल में एक बहुत बड़ा सा पार्टी होता हुआ देखते हैं एल्फिया इंटरनेशनल स्कूल के बाहर। और एक लड़का और एक लड़की जिसका नाम आईवी और डेविन होता है वो अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं और जंगल में जाकर एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है और अचानक से कोई आईवी पर कंट्रोल करने लगता है और वो दो खंजर निकालकर खुद के गले में घुसाकर खुद को मार लेती है। डेविन ये देखकर डर जाता है और वहां से दौड़ता है, लेकिन तभी उस पर एक क्रिएचर हमला करता है और ये बर्न्ड वन नहीं है, ये कुछ और ही है। अब हम एल्फिया इंटरनेशनल स्कूल को देखते हैं जहां रोजालैंड स्कूल की इंचार्ज है और पिछले सीजन में जो भी हुआ उसके लिए रोजालैंड ब्लूम से क्वेश्चन करती है। रोजालैंड ये देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है कि उसके स्कूल में पढ़ रहे बच्चे आने वाले खतरे को लेकर अभी भी तैयार नहीं है और उन्हें वो समझाती है कि हमारे दुनिया में ऐसे बहुत सारे खतरे हैं जिनके बारे में हम जानते तक नहीं हैं और हमें उनके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। प्रैक्टिस के समय हम ब्लूम को देखते हैं जो स्ट्रगल कर रही होती है। वो पावरफुल फेयरी तो है लेकिन उसे और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। वो ढूंढना चाहती है कि आखिर उनकी पुराने प्रिंसिपल फारा के साथ क्या हुआ, वो अचानक कहाँ गायब हो गई। क्वीन लूना और उसकी पूरी सोलारियन आर्मी इस खोज में काम कर रही हैं, लेकिन ब्लूम को सोलारियन आर्मी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और वो सोचती है कि फारा को ढूंढना है तो उसे काम करना होगा। तभी ब्लूम को एक मैसेज आता है सिल्वा का और उन्हें पता चलता है कि सिल्वा को सजा के तौर पर पोलारिस भेज दिया जा रहा है। ये जगह है अदर वर्ल्ड के नॉर्थ में जहाँ बहुत ठंड पड़ती है और सिल्वा का वहाँ जाना मतलब उसका मरना पक्का है। सिल्वा को लेकर एंड्रियाज निकलने वाला है और ब्लूम किसी तरह उसे रोकना चाहती है क्योंकि अगर ब्लूम को फारा तक पहुंचना है तो सिल्वा ही एक सिंगल लिंक है। ब्लूम के पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय सिल्वर को बचाने का। अब ब्लूम की सारी दोस्त यानी कि फेयरीज ब्लूम के बात से अग्री करती हैं और सभी मिलकर प्लान बनाने लगते हैं कि आखिर वो सिल्वा को कैसे बचा सकते हैं। इन सब के बीच हम देखते हैं कि आयशा ग्रे से मिलती है। वो स्विमिंग करके ऊपर आता है और आयशा से पूछता है क्या तुम मुझ पर नजर रखी हुई हो, पर सच बात तो ये है कि आयशा को ग्रे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और उसके ऊपर से वो आयशा का बैग गीला कर रहा है। हाँ बिल्कुल, आयशा को ग्रे पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, जिसका मतलब ये है कि दोनों एक साथ जरूर होंगे इस सीजन में। जो भी हो, फिर हमें पता चलता है कि आयशा का नंबर ग्रे को मिल चुका है और ग्रे उसे मैसेज करता है जैसे ही वो सब बाहर निकलने वाले होते हैं और इस बात से आयशा बिल्कुल भी खुश नहीं है। पर एक प्रॉब्लम तब खड़ी हो जाती है जब स्टेला को रोजालैंड देख लेती है उसे अपना इनविजिबल वाला पावर यूज करते हुए, जिसे यूज करना मना है। अब रोजालैंड स्टेला को पनिश करने के लिए एक पत्थर जैसा डिवाइस निकालती है और उसे स्टेला के पीठ पर लगा देती है। स्टेला को बहुत दर्द होता है और इस डिवाइस के वजह से स्टेला अब कोई भी पावर यूज नहीं कर पाएगी, यानी कि वो अब इनविजिबल भी नहीं बन पाएगी। बाकी सभी लड़कियां एक ब्रिज पर मिलती है और ब्लूम एक पत्ते पर पर्पल कलर का खून देखती है जिसे वो टेरा को दिखाती है। अब शुरू होता है उनका प्लान। वो सभी सिल्वा का पीछा करती हैं और आयशा अपने मदद से हथकड़ी का चाबी सिल्वा को देती है और जैसे वो खुद को फ्री करता है गाड़ी रुकता है और वो वहां से भाग जाता है। भागते हुए वो एक नदी के सामने पहुंचता है और नदी पे छलांग लगा देता है और वो एंड्रिया से बच जाता है। सिल्वा फ्री होने के बाद पहुंचता है एक पुराने स्टूडेंट सेबेस्टियन के घर पे और वहां से वो स्कूल में ब्लूम को कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि चीजें अब और भी टफ होने वाली हैं क्योंकि रोजालैंड के पास रॉयल आर्काइव का एक्सेस है जिसके मदद से वो पुराने टेक्स्ट और पावरफुल रेलिक के मदद से कुछ बड़ा प्लान कर रही है। और एक बात ये भी है कि वो जो भी प्लान कर रही है वो बहुत ही भयानक है, जो शुरू हो चुका है वो भी 17 साल पहले ब्लूम के साथ। ब्लूम पहुंचती है रोजालैंड के पास और रोजालैंड उसे कहती है कि लगता है तुम अपने मैजिकल पावर को दबा कर रख रही हो। ब्लूम अपने पावर को स्ट्रॉन्ग करने के बहाने रोजालैंड के और करीब जाने की कोशिश करती है ये जानने के लिए कि आखिर उसका प्लान क्या है। अब हमें आखिरकार पता चलता है कि रोजालैंड ही शुरुआत में हुए अटैक के पीछे थी और हम डेविन को देखते हैं जो डोर में आता है और वो बिल्कुल खून में लथपथ होता है और वो रोजालैंड का नाम लेता है। टेरा जंगल में होती है और वो मशरूम्स कलेक्ट कर रही होती है और वो जंगल में अकेली है और इतने समय में हमें पता चल चुका है कि जंगल में अकेले जाना मतलब मौत को दावत देने बराबर है। लेकिन वहाँ टेरा तभी कुछ सेंस करने लगती है और वो अपने पावर से वाइंस को बुलाती है, लेकिन वो वाइंस में से फूल निकलने लगते हैं और उसके सामने आती है उसकी कजन फ्लोरा। फ्लोरा टेरा के साथ एकेडमी में जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि अब रोजालैंड यहाँ की इंचार्ज है, फारा नहीं। और वो सभी डेविन को देखकर भी कंफ्यूज्ड है कि आखिर उसके शरीर पर
ऐसे बाइट्स मार्क, ऐसे कट्स आए कहाँ से? ये देखकर किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब का मतलब है क्या। फ्लोरा का यहाँ पर आना टेरा के लिए खुशी की बात है, लेकिन वो फिर भी फ्लोरा को उतनी पसंद नहीं करती और देख पाते हैं कि वो फ्लोरा के इंटेलिजेंस से थोड़ी सी जेलस भी है। फ्लोरा ऐसे बिहेव करती है कि उसे सब कुछ पता है, और उसे सही में सब कुछ पता है, क्योंकि समर हॉलीडे में वो ट्यूशन लेती थी, जिस वजह से उसका पढ़ाई पीछे नहीं छूटा, वो सबसे आगे है। रोजा लिंट को भी ये जानने को मिलता है कि सिल्वा एंड्रियास के हाथ से भाग निकला, जिस वजह से वो बहुत गुस्सा होती है, और वो अपने मैजिक से उसे चोक करती है अपने ऑफिस में अपना गुस्सा दिखाने के लिए। फिर हम ब्लूम को देखते हैं जो चुपके से रोजा लिंट के ऑफिस में आती है और उसके ड्रॉयर में से कुछ ढूंढने लगती है, और उसे वहाँ एक ऑकल्ट बुक मिलता है जिसमें स्पेल्स भरे हुए हैं, और उस बुक में एक क्रिएचर का फोटो भी होता है जिसे हमने सीरीज के स्टार्टिंग में देखा था। ब्लूम उन सारे इमेजेस का फोटो क्लिक कर लेती है और रोजालिंड के आने से पहले वो बुक को अंदर रख देती है। रोजालिंड अंदर आती है और वो जानती है कि ब्लूम जरूर उसके सामान में ताका झांकी कर रही थी। सिल्वा और सेबेस्टियन ब्लूम और बाकी लड़कियों की मदद कर रहे होते हैं ताकि वो रोजालिंड को हरा सकें। एंड्रिया सिल्वा को ढूंढते हुए पहुंचता है सेबेस्टियन के होटल में, और सेबेस्टियन किसी तरह सिल्वा को एक पोर्टल में छुपा देता है। एंड्रियाज उसे पूछता है कि सिल्वा कहाँ है, तुमने उसे कहाँ छुपाया है, पर वो उसे कुछ नहीं बताता और बदले में एंड्रियाज उसे बहुत पीटता है। रोजालिंड डेविन को चेक करने के लिए जाती है और देखती है कि अभी भी उसमें कोई सुधार नहीं आया है, और हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि टेरा के डैड प्रोफेसर हार्वी थे, जिन्होंने सेबेस्टियन के बारे में रोजालिंड को बताया था ताकि वो अपने बच्चों को रोजालिंड से प्रोटेक्ट कर पाए। फाइनली हम स्काई को देखते हैं जो सिल्वा से बहुत गुस्सा है क्योंकि सिल्वा ने उसके डैड एंड्रियास को मारने की कोशिश की। वो ब्लूम को कहता है कि अब पुराना समय जैसा कुछ नहीं रहा, सब कुछ बदल चुका है, लेकिन ब्लूम उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करती है कि पास्ट में जो भी हुआ उसे हमें भूल जाना चाहिए, तुम खुद को टॉर्चर मत करो। इसके बाद दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। टेरा और म्यूजा डेविन में एक एंटीडोट इंजेक्ट करते हैं, और जैसे ही डेविन को होश आता है उन्हें वो क्रिएचर का फोटो दिखाकर उसे पूछने लगती हैं कि क्या यही वो क्रिएचर था जिसने तुम्हें अटैक किया। एंड्रियास पहुंचता है सिल्वा के घर जहां ब्लूम और स्काई होते हैं, इसलिए दोनों एंड्रियास को आता देखकर वो दोनों फ्लोर के नीचे एक सीक्रेट जगह में छुप जाते हैं, पर ब्लूम का फोन वाइब्रेट करने लगता है। किसी तरह वो अपने फोन को शांत करती है। दोनों छुपे हुए होते हैं और सुनते हैं एंड्रियास को रोजालिंड से बात करते हुए, और उन्हें पता चलता है कि डेविन को होश आ चुका है। इसके बाद एंड्रियास सिल्वा के घर को आग लगा देता है, लेकिन ब्लूम एक फायर फेयरी है इसलिए वो खुद के पावर को यूज करके खुद को और अपने बॉयफ्रेंड स्काई को बचा लेती है। टेरा डेविन की हेल्प करना चाहती है, लेकिन रोजालिंड वहां आकर कहती है पीछे खड़े रहने के लिए। रोजालिंड कहती है कि डेविन शायद कंफ्यूज्ड है, लेकिन तभी उसी वक्त उसकी वहां मौत हो जाती है। ब्लूम और बाकी लड़कियां मिलकर फोटोग्राफ को देखती हैं जो उसने बुक से खींचा था, और ये पता लगाने की कोशिश करती हैं कि आखिर ये क्रिएचर है क्या, और उन्हें पता चलता है कि रोजालिंड किलर फेयरीज को बुला रही हैं ताकि वो अपने बाकी फेयरीज में से मैजिक को चुराकर अपने अंदर डाल सके खुद को और पावरफुल बनाने के लिए। और आखिरकार स्काई और सिल्वा एक दूसरे से मिलते हैं। स्काई सिल्वा से मिलकर बहुत गुस्सा है और वो उसे कैंपस से निकल जाने को बोलता है। सिल्वा कैंपस से भागता है, लेकिन उसे रोजालिंड एंड्रियास और प्रोफेसर हार्वी देख लेते हैं। रेवन अपनी गर्लफ्रेंड बीट्रिक्स और अपने बॉयफ्रेंड डेन को बताता है कि ये थ्रीसम उसके लिए खत्म हो चुका है, वो ऐसे रिलेशनशिप में और नहीं रहना चाहता, लेकिन शायद डेन इसके लिए तैयार है नहीं, वो रेवन से अलग नहीं होना चाहता। इसके बाद हम देखते हैं कि रेवन स्काई से बात कर रहा होता है ये कहते हुए कि बीट्रिक्स कितनी शैतान लड़की है, वो भरोसे करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। और जब डेन उससे बात करने के लिए आता है तो रेवन उसे बात भी नहीं करता, उल्टा ऐसा बिहेव करता है कि जैसे उसके और डेन के बीच कभी कुछ था भी नहीं। अब हम सैम को देखते हैं जो बहुत गुस्सा में होता है क्योंकि रोजालिंड उसके डैड को कंट्रोल कर रही है और उसे एल्फिया इंटरनेशनल स्कूल छोड़ने को बोल रही है। म्यूजा अपने बॉयफ्रेंड का गुस्सा अपने अंदर लेने की कोशिश करती है ये सोचकर कि सैम शांत हो जाए, लेकिन इसके वजह से उसका गुस्सा और बढ़ने लगता है और मामला और बिगड़ जाता है। इससे होता यह है कि सैम रोजालिंड को मारने तक का प्लान बना लेता है, पर किसी तरह म्यूजा उसे शांत करती है और उसे समझाती है कि तुम एक किलर नहीं हो। अब हम स्कूल में एक इवेंट होता हुआ देखते हैं जहां बहुत सारे फेयरीज आते हैं। रोजालिंड ब्लूम को अपने साथ रखती है और उसे समझाती है उसके पावर्स के बारे में, जो नॉर्मल फेयरीज से बहुत ज्यादा है।
अब बाकी लड़कियों को इस बात का डर है कि शायद रोजालैंड ब्लूम का पावर चुराना चाहती है। उसी इवेंट में हम देखते हैं कि बीट्रिक्स गुस्से में डेन से मिलती है और अपना सारा गुस्सा उस पर निकालती है, लेकिन डेन उसे कहता है कि तुम बहुत शैतान लड़की हो और अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुमसे डरते हैं तो तुम गलत हो, तुम्हें तो कोई पसंद भी नहीं करता। अब इसके रिप्लाई में बीट्रिक्स उसे बोलती है कि रिवेन तुम्हें कभी प्यार नहीं करेगा। उस इवेंट में डिनर होता है जिसमें स्टेला अपने अंकल के साथ बैठी होती है जो बहुत पिए हुए होते हैं और वो किसी से भी ढंग से बात नहीं करते। रोजालैंड अपने पावर से उस आदमी को कंट्रोल नहीं करती क्योंकि उस आदमी का वोट रोजालैंड के लिए काफी कीमती है। वो ब्लूम को कन्विंस करती है कि वो उसके ही साइड है और यहाँ रोजालैंड बताती है कि सिल्वा को भगाने में ब्लूम का हाथ है, ये वो जानती है, पर इसके बारे में वो किसी को कुछ नहीं बताएगी और वो ब्लूम के दिमाग से खेलती है जिस वजह से ब्लूम कंफ्यूज हो जाती है ये सोचने पर कि आखिर रोजालैंड सच में अच्छी है या बुरी, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है। आयशा और फ्लोरा को देखते हैं जो इन्वेस्टिगेटिंग कर रहे होते हैं, पर उन पर एक क्रिएचर अटैक कर देता है। आयशा अपने पावर से उसे रोकने की कोशिश करती है पर कोई फायदा नहीं होता, पर आग यूज करने पर वो क्रिएचर मर जाता है। अब डिनर पार्टी के समय स्टेला सभी को बताती है कि रोजालैंड ने डेविन को मारने की कोशिश की है। तभी उस पार्टी में आ जाती है रोजालैंड अपने साथ डेविन को लेकर, यानी कि लड़कियों का प्लान चौपट हो गया। रोजालैंड बहुत शातिर है, वो ये सोच रहे थे कि डेविन मर चुका है। अब रोजालैंड सारे गेस्ट को समझाती हैं कि स्टेला ने आपको जो कहानी बताई है वो सब झूठ है। रोजालैंड बताती है कि वो ब्लड विचेस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और उसे लगता है कि आपस में झगड़ने के बजाय हमें हमारे सामने आने वाले बड़े खतरे के बारे में तैयार रहना चाहिए। प्रोफेसर हार्वी को देखते हैं जो डिसाइड कर चुका है कि उसे और सैम को यहाँ से जाना होगा, पर वो टेरा को बोलता है कि तुम यहाँ रह सकती हो क्योंकि सारे दोस्त तुम्हारे यहीं पर हैं। रोजालैंड डिनर पार्टी में अनाउंस करती है कि ब्लूम इस दुनिया को बचाने की चाबी है क्योंकि सदियों पुराना ड्रैगन फ्लेम ब्लूम के अंदर है। फिर हमें पता चलता है कि ब्लड विचेस से लड़ने के लिए सिल्वा और रोजालैंड एक हो चुके हैं, जो देखकर ब्लूम शॉक्ड हो जाती है और बीट्रिक्स पर वही क्रिएचर्स अटैक कर देते हैं। एंड्रियाज रोजालैंड के ऑफिस में आता है और वो बहुत चिंता में है कि बीट्रिक्स कहाँ गायब हो गई है क्योंकि अब उसके गायब हुए 3 दिन हो चुके हैं। वो कुछ करना चाहता है लेकिन रोजालैंड उसे कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि तुम किसी से इमोशनली अटैच मत होना। तो वहीं बाकी लड़कियां ब्लूम के स्पेशल होने के लिए खुश भी है लेकिन थोड़ा वरिड भी है। इसके बाद ब्लूम और आयशा ब्लड विचेस पर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं क्योंकि ये सब कुछ ब्लूम के ड्रैगन फ्लेम से कनेक्टेड है। ब्लूम रोजालैंड की बिल्कुल खास बन चुकी है और रोजालैंड उसे बताती है कि वो कैपिटल जा रही है, पर वो ब्लूम को बोलती है कि तुम ब्लड विच पर अपनी रिसर्च जारी रखो। और वो ब्लूम को बीट्रिक्स के बारे में बताती है कि उसे किडनैप कर लिया गया है और उसे किडनैप करने वाले कोई और नहीं बल्कि ब्लड विचेस हैं, और कहती है कि ये बात तुम किसी को मत बताना वरना लोग खामखा डर जाएंगे। सिल्वा अपने पुराने जॉब में वापस आ जाता है, यानी कि वो लड़कों को ट्रेन करता है वॉरियर बनने में और इन लोगों को स्पेशलिस्ट भी बोला जाता है और उन्हें आर्चरी सिखाया जाता है जहां बहुत सारे फेयरीज भी होते हैं जैसे कि म्यूजा जो अपने माइंड पावर को यूज करके लड़कों को गाइड करती है सही निशाना लगाने में। फ्लोरा अपनी बहन टेरा के साथ ग्रीन हाउस में होती है और फ्लोरा काफी खुश है कि वो रिवन से मिलने वाली है, लेकिन इस बात से टेरा थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। इसके बाद सारी लड़कियां जाती है एक लोकल पब में ड्रिंक करने के लिए और मस्ती करने के लिए क्योंकि रोजालैंड फिलहाल स्कूल में है नहीं। अब उस बार में स्काई और रिवन भी आए होते हैं और रिवन और फ्लोरा एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं, जिसे देखकर टेरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो रिवन को बोलती है कि तुम अच्छे इंसान बिल्कुल भी नहीं हो। ये सुनकर फ्लोरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि टेरा उसके और रिवन के बीच में आ रही है, वो वहां से चली जाती है। अब इस क्लब में स्टेला नहीं होती क्योंकि वो एक राजकुमारी है और वो वैसे भी पनिशमेंट के चक्कर में स्कूल छोड़कर नहीं आ सकती। एंड्रियास को देखते हैं जो अपने एक खबरी से मिलने के लिए जाता है जंगल में, लेकिन उसका सामना एक ब्लड विच से होता है जो अपने पावर से एंड्रियास को चोक करने लगता है। स्कूल में बाकी लड़कियों को बीट्रिक्स का एक मैसेज मिलता है और ये पुराने वेयरहाउस से आया है जहाँ बीट्रिक्स फंसी हुई है। सभी बीट्रिक्स को बचाने के बारे में सोचते हैं लेकिन ब्लूम ये सोचती है कि शायद ये कोई ट्रैप हो सकता है, उन्हें नहीं जाना चाहिए, पर स्टेला ऐसा नहीं मानती और सोचती है कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब जाकर ब्लूम को बताना पड़ता है कि बीट्रिक्स असली में किडनैप हो चुकी है और ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि वो कैसे मैसेज कर रही है हम सबको। लेकिन बाकी लड़कियां इस बारे में बात नहीं करना चाहती और वहां से वो निकलती हैं बीट्रिक्स को बचाने के लिए।
तो वहीं आयशा और ग्रे उस पब में नहीं होते, दोनों एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और दोनों किस भी करते हैं। डॉर्म में वापस आने के बाद स्टेला को बताना पड़ता है कि उसके पीछे एक डिवाइस लगा दिया गया है जिस वजह से वो अपने पावर को यूज नहीं कर पा रही है। म्यूजा, राइवन और स्काई जाते हैं बीट्रिक्स को बचाने के लिए, लेकिन उन्हें पता चलता है कि ये सच में एक ट्रैप है और वहाँ एंड्रियास भी होता है, लेकिन वो ब्लड विचेस के कंट्रोल में है। म्यूजा वहाँ से भागती है, लेकिन उस पर एक क्रिएचर अटैक कर देता है जिसे स्क्रेपर्स कहा जाता है। तभी वहाँ सिल्वा भी आता है स्काई को बचाने के लिए, और म्यूजा अभी भी अंदर फंसी हुई है। स्काई और राइवन जाकर बीट्रिक्स को बचाते हैं, सिल्वा और एंड्रियास लड़ते हैं, तो वहीं ब्लूम सेबेस्टियन से जाकर मिलती है और उसे पता चलता है कि असली में वो एक ब्लड विच है और हमेशा से वो उसकी मदद कर रहा था, यानी कि वो ब्लूम के प्लान को जानकर हमेशा ब्लूम से एक कदम आगे रहता था। ब्लूम वहां पर अकेले जाती है ये सोचकर कि शायद सेबेस्टियन पावरलेस है, लेकिन सेबेस्टियन उसे बताता है कि वो अपने अंदर फेयरीज की मैजिक डाल रहा है और वही क्रिएचर्स यानी कि स्क्रेपर्स उसके लिए फेयरी से मैजिक को निकाल कर लाते हैं और सेबेस्टियन उसे अपने अंदर समा लेता है। सेबेस्टियन ब्लूम को एक चांस देता है उसके साथ जुड़ने के लिए, ताकि ब्लूम अपने पास्ट के बारे में और जान पाए कि उसके बर्थ पेरेंट्स है कौन। ब्लूम ये जाना तो चाहती है, पर वहाँ आयशा पहुँचती है और ब्लूम को बचाती है। तो वही हम एकेडमी में देखते हैं कि ब्लूम रोजालिंड को बताती है कि सेबेस्टियन असली में है कौन। वो एक ब्लड विच है और उसके होटल में एक पोर्टल है जहाँ से वो लोग जा पाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड में, जिसके बाद फ्लोरा और टेरा अपने बीच के सारे टेंशन खत्म कर लेती हैं और टेरा बताती है कि वो और रिवन पहले एक दूसरे को डेट किया करते थे, पर उन दोनों के बीच ज्यादा कुछ चला नहीं। और अब जब रिवन और फ्लोरा एक दूसरे को पसंद करते हैं ये देखकर टेरा को थोड़ा जेलस फील होता है, लेकिन वो डिसाइड करती है कि वो अपने दोस्त को सपोर्ट करेगी चाहे कुछ भी हो। टेरा सभी को बताती है कि वो गे है, ये सुनकर स्टेला और बाकी लड़कियां उसे सपोर्ट करती हैं। ब्लूम स्काई के पास जाती है जो बिल्कुल टूट चुका है, और पता चलता है कि सिल्वा को बचाने के लिए स्काई ने अपने डैड एंड्रियास को मार डाला है और उसे यह करना पड़ा क्योंकि कोई और ऑप्शन था नहीं, वरना सिल्वा की जान चली जाती। तभी राइवन स्कूल में आता है मदद के लिए और म्यूजा की हालत बहुत खराब है। ब्लूम, सिल्वा और रोजालिंड प्लान बनाते हैं सेबेस्टियन को ट्रैप करने के लिए, लेकिन उस ट्रैप में सेबेस्टियन नहीं फंसता। वो काफी चालाक है और इसके बजाय ब्लड विचेस अपना आर्मी तैयार कर रही हैं, और वही स्क्रैपर्स के मदद से सेबेस्टियन अपने अंदर पावर डाले ही जा रहा है। आयशा इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि रोजालिंड किस तरीके से ब्लूम को एक बेट की तरह यूज कर रही है। तो वही हम देखते हैं कि म्यूजा की हालत बहुत ही खराब है क्योंकि स्क्रेपर्स ने उसके पूरे ही पावर को निकाल लिया है, इस वजह से उसके पास कोई पावर अब नहीं बचा। वो जाती है कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए ताकि वो भी स्पेशलिस्ट की टीम में शामिल हो सके। राइवन के साथ वो ट्रेनिंग करती है। स्काई ब्लूम को आइडिया देता है और उसे कहता है कि तुम सेबेस्टियन को बताओ कि तुम्हारे पास ऑकल्ट बुक है जिसमें बहुत सारे स्पेल्स हैं, उन सारे पावर्स के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हैं, और शायद इसके बदले तुम सेबेस्टियन से मिल पाओ और उससे तुम म्यूजा के पावर्स वापस मांग पाओ। लेकिन आयशा को लगता है कि ये सही आइडिया नहीं है, उसके पास एक दूसरा प्लान है, और म्यूजा के पावर को लाने के लिए उसके पास एक क्रिस्टल होता है जिसके मदद से वो म्यूजा के पावर को वापस ला सकते हैं। उन्हें सेबेस्टियन के पास जाने की जरूरत है नहीं। रोजालिंड एंड्रियास के ग्रेव पर जाती है जहां ब्लूम आकर रियलाइज करती है कि रोजालिंड सही में एंड्रियास की केयर करती थी। रोजालिंड और सिल्वा स्काई से बात करते हैं और उसे बताते हैं कि कल ईस्ट विंग में किसी ने घुसने की कोशिश की, उन्हें पता नहीं वो कौन है, पर हमें पता चलता है कि वो असली में स्काई ही था जिसे ब्लड विचेस ने कंट्रोल किया हुआ था। अब हम उन सारी लड़कियों को देखते हैं जो म्यूजा की हेल्प करने के लिए अपने पावर को बाहर निकालती हैं और उस क्रिस्टल को यूज करती हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उनका पावर ज्यादा है नहीं, उन्हें और पावर की जरूरत है, और ये पावर पूरा होगा ड्रैगन फ्लेम से। इसलिए ब्लूम अपने ड्रैगन फ्लेम को निकालती है और क्रिस्टल में डालती है, और ये काम भी करता है, लेकिन म्यूजा को कुछ होने लगता है, वो डर जाती है और क्रिस्टल को गिराकर वहां से चली जाती है, जिस वजह से पूरा रिचुअल इनकम्प्लीट रह जाता है। अब इसके बाद ब्लूम डिसाइड करती है कि अब कोई रास्ता है नहीं, इसीलिए उसे सेबेस्टियन के पास जाना होगा म्यूजा की पावर वापस लेने के लिए। ब्लूम वो बुक लेकर अकेले निकल जाती है सेबेस्टियन से मिलने के लिए। तो वहीं बाकी लड़कियों को और बड़ा प्रॉब्लम दिखने लगता है कि उनका पावर कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। आयशा कहती है कि शायद ये क्रिस्टल को यूज करने का असर है क्योंकि उनका रिचुअल अभी भी खत्म नहीं हुआ। म्यूजा राइवन से बात करती है और हमें पता चलता है कि म्यूजा ने सैम के साथ जो भी किया इस वजह से वो अपने पावर को जानबूझकर गवा दी है,
और वो अपने पावर को वापस नहीं पाना चाहती। तो वहीं हम ब्लूम को देखते हैं जो सेबेस्टियन से मिलती है, वो भी एक डाइनर में, और वो उससे बुक मांगता है जिसके बदले में वो उसे म्यूजा की मैजिक वापस लौटा देगा। और वो बताता है कि जवाब तो इसी बुक में है। और वो बात करने लगता है ड्रैगन फ्लेम के बारे में, कि कैसे ड्रैगन फ्लेम को लेकर सेबेस्टियन के डैड ऑब्सेस्ड थे, जिस वजह से ब्लूम के अंदर और इच्छा होने लगती है अपने बारे में जानने के लिए। सेबेस्टियन उसके सामने दो सोल्यूशन रखता है। एक है कि वो स्क्रेपर को यूज करके म्यूजा के अंदर फिर से पावर डलवा सकता है, लेकिन ये काफी दर्दनाक होगा, इसलिए इसे अवॉइड करना ही सही होगा। तो वहीं दूसरा ऑप्शन ये है कि ब्लूम को सेबेस्टियन को मारना होगा और वो उसे सारे पावर्स वापस ले सकती है। अब इस मीटिंग के बाद आयशा ब्लूम को फोन करती है और उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ वापस आना होगा और क्रिस्टल में अपने पावर को वापस डालना होगा, नहीं तो तुम्हारे अंदर से ये सारे पावर भयानक तरीके से निकलने लगेंगे। लेकिन ब्लूम काफी कॉन्फिडेंट है और कहती है कि वो अपने पावर को कंट्रोल कर सकती है। अब टेंशन में वो सारी लड़कियां जाती है रोजालैंड से मिलने के लिए और उसे सब कुछ बता देती हैं कि उन्होंने क्या किया। रोजालैंड भी इस बात से टेंशन में है कि ब्लूम सेबेस्टियन को मार सकती है। अब हम सेबेस्टियन को देखते हैं जो ब्लूम का और फायदा उठाने लगता है और उसे कहता है कि तुम अगर अपने पेरेंट्स के बारे में जानना चाहती हो तो तुम मुझे अपना ड्रैगन फ्लेम दे दो। ब्लूम नहीं मानती और बातों ही बातों में सेबेस्टियन बताता है कि रोजालैंड ने ही फारा को मार दिया है। अब वो गुस्से में रोजालैंड से मिलती है उसी ग्रेवयार्ड में और पता चलता है कि सही में रोजालैंड ने ही फारा को मारा है। ब्लूम गुस्से में अपने पावर को यूज करती है लेकिन रोजालैंड उसे रोकती है, क्योंकि ऑब्वियसली रोजालैंड उसे ज्यादा पावरफुल है, और कहती है कि हम दोनों एक साथ इस दुनिया में राज कर सकते थे लेकिन तुमने सब कुछ खराब कर दिया। वो ब्लूम का मजाक उड़ाने लगती है जिस वजह से ब्लूम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और जो नहीं होना था वही होता है। ब्लूम अपने पावर को बाहर निकालती है जो कि बहुत ज्यादा होता है और वो अपने पावर से रोजालैंड को मार डालती है। वैसे ही अच्छा ही हुआ। अब रोजालैंड को मारने पर ब्लूम को हथकड़ी पहनाया जाता है और क्वीन लूना अपने पूरे रियल्म से बात कर रही होती है और सभी को बताती है कि रोजालैंड मर चुकी है और उसका सारा इल्जाम वो ब्लड विच पर डालती है। टेरा और फ्लोरा ग्रेवयार्ड की तरफ जाते हैं और उन्हें स्पेशलिस्ट मिलती है जिसका नाम है कैट, और कैट और टेरा के बीच कुछ कुछ होने लगता है। इसके बाद हमें ये भी जानने को मिलता है कि ग्रे असली में एक ब्लड विच है और वो सेबेस्टियन से मिलने के लिए आता है। दोनों अंदर जाते हैं और ये प्लान बनाते हैं कि आखिर फेयरीज को मारना कैसे है। तो वहीं हम ब्लूम को देखते हैं जिस पर ट्रायल चलने वाला है, पर वो बाहर निकल जाती है अकेले और स्काई उसके पीछे जाता है। लेकिन ब्लूम उसे कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो। वो अपने पावर से डरती है क्योंकि वो अपने पावर से कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, जिससे स्काई को चोट पहुंच सकता है। अब अगली सुबह ट्रायल शुरू होता है और क्वीन लूना जज बनी होती है और वो ब्लूम से पूछती है कि आखिर हुआ क्या था। स्टेला ब्लूम की एडवोकेट बनी होती है और वो बताती है कि ब्लूम का ऐसा करना सही है क्योंकि रोजालैंड ने फारा को मारा है। लूना इस बात से इनकार करती है क्योंकि इस बात का तो कोई प्रूफ है ही नहीं। प्रूफ लेने के लिए टेरा और फ्लोरा उसी ग्रेवयार्ड में घूम रहे होते हैं और टेरा काफी डेस्परेट होती है ब्लूम को बचाने में, और वो अपने मैजिकल पावर को यूज करके ग्राउंड के अंदर जो भी है उसे निकालने की कोशिश करती है, पर उसे बॉडी तो नहीं मिलता, कुछ अजीब सा चीज मिलता है। तो वहीं ट्रायल में आयशा कर बताती है कि ब्लूम किलर कभी नहीं हो सकती। क्वीन लूना आयशा को बताती है कि वो आयशा पर कैसे विश्वास करे क्योंकि आयशा तो खुद नहीं जानती कौन अच्छा है कौन बुरा, जैसे कि तुम्हें ये नहीं पता कि तुम जिस लड़के को पसंद करती हो वो एक ब्लड विच है। आयशा का ये सुनकर दिल टूट जाता है, वो वहां से चली जाती है। अब सब कुछ खत्म होता देखकर ब्लूम सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है और कहती है कि उसने ऐसा सेल्फ डिफेंस में किया, पर क्वीन लूना अपना वर्डिक्ट सुनाती है और वो ब्लूम को स्टेसिस पर रखने का फैसला करती है 20 साल के लिए। इस वजह से ब्लूम को अंडरग्राउंड चेंबर में ले जाया जाता है। स्टेला अपने दोस्त के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। लूना अपनी बेटी के शरीर से वो डिवाइस निकाल लेती है और उसका पावर उसे वापस लौटा देती है। अब हम फ्लोरा को देखते हैं जो अपने रूम में उसी अजीब से चीज को देख रही होती है जो उसे ग्रेवयार्ड से मिला। इसके बाद वो बेसमेंट में जाती है और वो ब्लूम को फ्री करती है और पता चलता है कि असली में वो अजीब सा चीज एक रिजरेक्शन प्लांट था और इस प्लांट के अंदर फारा ने अपने स्पिरिट को बचा कर रखा था क्योंकि उसे पता था कि रोजालैंड उसके साथ ऐसा ही करेगी। और फारा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अपने स्टूडेंट को आखिरी बार गुड बाय बोलना चाहती थी और इस बार वो अपने स्टूडेंट को सबसे पावरफुल मैजिक यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक सिखाना चाहती है।
फारा और ब्लूम एक साथ बात करते हैं और सभी के गुड बाय कहने के बाद फारा वहां से चली जाती है। स्पेशलिस्ट की टीम सेबेस्टियन के अड्डे पर पहुंच जाती है और वो चुपके से अंदर घुसते हैं, लेकिन पता चलता है कि अंदर कोई भी नहीं है, यानी कि ब्लड विचेस को पहले से ही पता चल चुका था कि वो सभी यहाँ आ रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सेबेस्टियन एल्फिया इंटरनेशनल स्कूल के अंदर घुस चुका है और उसे अंदर लाने वाली धोखेबाज कोई और नहीं बल्कि अपनी पुरानी बीट्रिक्स ही है। वो स्कूल का लाइट कट कर देती है और सारे स्क्रेपर्स बेसमेंट में घुस जाते हैं। सारे स्क्रेपर्स स्कूल के स्टूडेंट पर अटैक कर देते हैं ताकि वो उनके पावर को ले सके। तो वहीं फ्लोरा को बीट्रिक्स और सेबेस्टियन पकड़ लेते हैं। म्यूजा भी वहीं पर होती है, लेकिन बीट्रिक्स उसे कहती है वहां से जाने के लिए। फ्लोरा को बेसमेंट में लाया जाता है जहां बहुत सारे फेयरीज और स्पेशलिस्ट होते हैं, और ऐसा लगता है कि इस चीज को बहुत पहले से ही प्लान किया जा रहा था, जिस वजह से सेबेस्टियन की टीम में एल्फिया के ही बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी शामिल हैं जो कि ब्लड विचेस के कंट्रोल में है। स्काई बाहर आता है और बाकी स्पेशलिस्ट से मिलता है और सभी प्लान बनाते हैं ब्लड विच को कैसे रोकना है। सिल्वा स्काई को कहता है कि तुम्हें अपने केबिन में वापस जाना चाहिए। तो वहीं हम म्यूजा को देखते हैं जो स्पेशलिस्ट से लड़ती है और अपने दोस्त फ्लोरा को भगाने में कामयाब होती है। अब ब्लूम को स्काई कॉल करता है, लेकिन देखते हैं कि स्काई असली में सेबेस्टियन के वश में है और स्काई यानी कि सेबेस्टियन उसे बोलता है बाहर आकर उसे मिलने के लिए, और उसे बाहर आना होगा नहीं तो वो स्काई को मार डालेगा। बीट्रिक्स आखिरकार स्टेला से मिलती है और पता चलता है कि बीट्रिक्स सेबेस्टियन की मदद नहीं कर रही बल्कि वो सिर्फ ये देखना चाहती है कि उनका प्लान है क्या। और बीट्रिक्स के पास एक बुक होता है और वो बताती है कि ब्लड विच आखिर प्लान क्या कर रहे हैं, और पता चलता है कि रियल्म ऑफ डार्कनेस में एक ऐसी शक्ति है जो मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकती है। सेबेस्टियन इसी पावर को वापस पाना चाहता है ताकि वो एस्ट्रेडल में मरे सारे ब्लड विचेस को वापस से जिंदा कर पाए। हालांकि जब पिछले बार इसे करने की कोशिश की गई थी तो पूरा अदर वर्ल्ड तबाह हो गया था, और सेबेस्टियन को ये करने के लिए चाहिए ड्रैगन फ्लेम, इसीलिए वो ब्लूम को पाना चाहता है। और जैसे ही ये दूसरे दुनिया का दरवाजा खुलता है, उसे बंद करने का एक ही तरीका है, वो भी इस साइड से नहीं बल्कि उस साइड से, यानी कि किसी को रियल्म ऑफ डार्कनेस के अंदर जाकर इस दरवाजे को बंद करना होगा। ब्लूम सेबेस्टियन से मिलती है और वो अपने बॉयफ्रेंड स्काई को बचाने के लिए अपना ड्रैगन फ्लेम सेबेस्टियन को देने के लिए मान जाती है। अब ये सब चल रहा होता है, इसी बीच स्पेशलिस्ट और फेयरी एक साथ मिलकर स्ट्राइक करने का सोचती हैं। तो वहीं फ्लोरा एक दूसरे प्लान पे काम कर रही होती है। वो अपने लिए एक तरह का दवाई बनाती है जिसके मदद से वो सारे क्रिएचर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और इस दवाई के मदद से वो सारे स्क्रेपर्स मर जाएंगे। हालांकि टेरा अपनी बहन के इस प्लान से बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि फ्लोरा की जान भी जा सकती है, लेकिन सच बात तो ये है कि कोई और तरीका है नहीं। सेबेस्टियन ब्लूम को बताता है उसके असली पेरेंट्स के बारे में कि ब्लूम की माँ के पास असली में यह ड्रैगन फ्लेम हुआ करता था, वो भी 1000 साल पहले। हाँ, यानी कि ब्लूम 1000 साल पहले जन्म हुई थी और उसे 1000 साल के लिए स्टेसिस में बंद करके रखा गया था। ब्लूम का जन्म एंशियंट वॉर के दौरान हुआ था और ब्लूम की माँ अपने पावर के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने के वजह से सभी को मार डाली थी, और इस बात का गिल्ट कि वो अपने पावर ब्लूम में पास कर चुकी है, वो ब्लूम को डाल देती है स्टेसिस में और वो खुद चली गई रियल्म ऑफ डार्कनेस में। ब्लूम अपना पावर ट्रांसफर कर रही होती है उस क्रिस्टल में, तभी वहाँ बीट्रिक्स आ जाती है और वो स्काई को फ्री करती है और वो क्रिस्टल को भी तोड़ देती है, और सेबेस्टियन में जितना भी पावर होता है वो अपने पावर को यूज करके बीट्रिक्स को मार डालता है। अब अपने दोस्तों को मरता देख ब्लूम अपना कंट्रोल खोने लगती है और वो बाहर निकालती है ड्रैगन फ्लेम को। स्काई अभी भी जिंदा है। तभी वहां सारी लड़कियां पहुंच जाती हैं और अपना ट्रांसफॉर्मेशन पावर को यूज करती हैं, जिसके वजह से उनके पीठ पर विंग्स निकलने लगते हैं। उन सभी के पावर को यूज करके वो सेबेस्टियन को मार डालते हैं। सेबेस्टियन के मरने के बाद सभी लड़कियां अपने रूम में आती हैं और थोड़ा चिल करती हैं। अपने लीडर को हारता देखकर ब्लड विचेस वापस जाने लगते हैं। तो वहीं ग्रे एल्फिया छोड़कर अपने पेरेंट्स के पास जा चुका है। उस रात ब्लूम बेसमेंट में जाती है और वहां एक पावर को देखती है, और उसे पता चलता है कि ये रियल्म ऑफ डार्कनेस में जाने का एक पोर्टल है, और हो सकता है कि मरने से पहले सेबेस्टियन में इतनी पावर थी कि उसने ये पोर्टल को खोल दिया। लेकिन इस पोर्टल को बंद करना होगा और इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि ब्लूम को अंदर जाना होगा। तभी वहां पर स्काई आता है और वो ब्लूम से बात करता है कि तुम जो कर रही हो वो मत करो। ब्लूम जाने से पहले स्काई के लिए लेटर लिखी थी और वो अपने दोस्तों के लिए भी लेटर लिखती है, और ब्लूम अकेले अंदर जाना चाहती है। अब अंदर जाने से पहले दोनों एक दूसरे से अपना प्यार का इजहार करते हैं और वो पोर्टल के अंदर चली जाती है।
सुबह में ब्लूम के दोस्तों को ब्लूम का लेटर मिलता है और इस लेटर को पढ़कर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। अब हम देखते हैं ब्लूम को जो डार्कनेस की दुनिया में भटक रही होती है और उसे एक कैसल मिलता है जिसके अंदर उसे उसकी माँ मिलती है और इसी के साथ फेट द विंग्स सागा सीजन 2 यहीं एंड होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज़ और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।